मंत्रालय की तरफ से उसको पिकअप किया जाएगा और जो ड्यू है उसको डिसबर्स किया जाएगा अकॉर्डिंगली इन स्टिप्यूलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। आज 9-10 महीना हो गया, पिछला साल जून में हमारा डेलीगेशन आया था, वहां पे सीनियर एमपी स्वागत हो रहा है, सुधीर बंदोपाध्याय सभी मेरे को ब्लाइंड आज इतने सीनियर एमपीज है, सुधीर बंदोपाध्याय, स्वागत हो रहा है, कल्याण बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, राज्यसभा लोकसभा का तृणमूल कांग्रेस का 25 सांसद हम लोग आए हैं। और आज हम लोग मिलना चाह रहे थे गिरिराज जी से। दो दिन पहले गिरिराज जी के साथ हमारे राज्यसभा के एमपी डेरेक ओब्रायन का फोन में बात हुआ था, वो कहे थे कि मैं अगर 5 तारीख को रहूं दिल्ली में तो मैं आपके साथ जरूर मुलाकात करूंगा। सुबह वो पार्लियामेंट जरूर गए थे पर शायद उनको सूचना थी कि हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो शायद वो नहीं आए क्योंकि शायद उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है। हम जो सवाल आज पूछे हैं, और एमओएस भी नहीं मिला है, डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी शैलेश जी उनका नाम है, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई, हमारी 25 एमपी की डेलीगेशन उनके साथ बैठी और भी 2 सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी साथ में थे, और हमने साफ बताया कि बंगाल का जो पैसा आपने जोर जबरदस्ती रोक के रखा है ये देश का जनता का पैसा है और मनरेगा एक एक्ट है विच हैज बीन पास्ड एंड नोटिफाइड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, तो 15 दिन से ज्यादा आप पेमेंट रोक नहीं सकते हो। वहां पे 3 साल होने को आया, 2.5 साल से ऊपर हो गया, आपने जोर जबरदस्ती पैसा रोक के रखा है, और ये कोई 2-4-5 रुपया नहीं है, ये 7,000 करोड़ रुपया है, ये स्टेट का 17 लाख परिवार का पैसा है जो काम करके बैठे हुए राह देख रहे हैं, आंस में बैठे हुए हैं कि मेरे पास पैसा मेरा कब आएगा, हक का पैसा, मेहनत का पैसा, ईमानदारी का पैसा। तो ये जो पैसा केंद्र की सरकार जानबूझ के रोक के रखा है, हमने बहुत दिन तक वेट किया, हमने बड़े प्यार से उनको बोला, इज्जत से मिला, पिछला बार भी जब मिला आज भी बहुत इज्जत से मिला, अच्छे से बात किया, लेकिन साथ में हमने ये भी बोला कि इस बार हम 9 महीना रुकेंगे नहीं, हमको रुकना था हम रुक गए, हम इसी आस में रुके कि आज नहीं तो कल आप पैसे छोड़ेंगे और गरीबों का पैसा पे अब कोई दबाव या रोक टोक नहीं डालेंगे। लेकिन 1 साल हो गया डेलीगेशन मिले, चीफ मिनिस्टर पर्सनली मेट द प्राइम मिनिस्टर एंड हैंडेड ओवर अ डिटेल लेटर जहाँ पे पूरा कितना पैसा ड्यू है, क्यों ड्यू है, और उसके साथ निखाली मनरेगा नहीं है, बांग्ला आवास योजना का 4,000 करोड़ से ज्यादा रुपया ड्यू है, सड़क योजना का 930 करोड़ रुपया ड्यू है, और मनरेगा का 7,000 करोड़ रुपया ड्यू है। ये 7,000 करोड़ रुपया केंद्र का पैसा नहीं, ये भारत का जनता का पैसा है, बंगाल का नागरिक, बंगाल का लोगों का पैसा है, आप रोक के रखो। तो हमने उनको ये भी बोला कि आप मंत्री जी से बात करिए, जरूरत पड़े स्टेट के तरफ से हम लोग बात करके, स्टेट का जो मंत्री है, स्टेट का मंत्री भी रहेगा, हम सारे सांसद रहेंगे क्योंकि हमारे हम चुन के आए हैं, हमारे लोग भी कह रहे हैं कि हम काम करके बैठे हुए और केंद्र की सरकार पैसे रोक के रखा है, आपको कुछ करना पड़ेगा। सो हर एमपी को ये फेस करना पड़ेगा, स्पेशली जितने भी लोकसभा में लड़ रहे हैं या लोकसभा में है सबको, तो हम उनको ये कहें कि आप मंत्री जी से बात करो और गिरिराज जी से बात करो, जरूरत पड़ेगा 25 एमपी एक रात पहले भी आप बता दोगे तो हम लोग सब पहुंच जाएंगे अलॉन्ग विद द मिनिस्टर इन द स्टेट, मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो प्रेसिडेंट जो मिनिस्टर है और उनके साथ जो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी है, दोनों रहेगा, एंड लेट एवरीवन बी ऑन द सेम पेज। नहीं तो आप कहोगे गलती इस साइड से, कोई कहेगा गलती उस साइड से, तो सब अगर रहेंगे तब किसी और को आप दोषी नहीं ठहरा सकते, सब कुछ केबिन में बात होगा। For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel The New Indian by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Kuu.